अबे यार, ये लोग क्या क्या सच करते हैं। आज इंटरनेट हमारी जिंदगी का एक बहुत ही अहम हिस्सा बन गया है। शॉपिंग से लेकर पढ़ाई तक सब इस इंटरनेट पर हो रही है, और इन सब चीजों में हम इस्तेमाल करते हैं अपने प्यारे से गूगल सर्च इंजन उर्फ गूगल बाबा का। कुछ भी देखना हो तो गूगल है ना, झट से निकाला फोन और कर डाला सर्च। और ये गूगल बाबा भी बड़ी कमाल की चीज है, सब घर पर बैठे बैठे बता देते हैं, तो क्यों ना लगे इसकी आदत। लेकिन क्या कभी सोचा है कि आखिर गूगल, जो कि खुद एक वेबसाइट ही है, वो दूसरी वेबसाइट्स के बारे में हमें कैसे बताती है? आखिर ये सब गूगल करता कैसे है? आज यही तो जानने वाले हम, तो चलिए समझते हैं। पर बिफोर दैट, मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल राइट नाउ, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ मच यू एंजॉयड टुडेस वीडियो। तो शुरुआत करते हैं। तो बात कुछ ऐसी है, गूगल को इस दुनिया में आए हुए कई साल हो चुके हैं। 1998 में लैरी और सर्जी नाम के दो लोगों ने इसको स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एस्टैब्लिश किया था। उस समय उनका मानना यह था कि मार्केट में अभी तक ऐसा कुछ है नहीं जिसमें आप इंटरनेट पर सारी चीजें देख सको। हाँ, लेकिन छोटे मोटे सर्च इंजन उस टाइम पर भी थे, लेकिन इनमें प्रॉब्लम बस इतनी सी थी कि जो चीजें लोगों को चाहिए थी वो उन्हें नहीं मिल पाती थी। और इसलिए लैरी और सर्गे ने सबसे पहले स्पाइडर और वेब क्रॉलर करके एक सॉफ्टवेयर बनाया, जिसका काम था हर वेबसाइट पर जाना और उसको स्कैन करके उसकी पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना और उसको एक जगह पर स्टोर कर देना। इस तरीके के साथ पूरे इंटरनेट का इंडेक्स रेडी किया गया, पूरे इंटरनेट का, कि कौन सी चीज कहां मिलेगी। लेकिन अब हर किसी की प्रेफरेंस अलग अलग हो सकती है। हो सकता है जो चीज मैं सर्च कर रहा हूं उसका एग्जैक्ट डिटेल्स मुझे नहीं पता हो, तो ऐसे सर्चेस के लिए भी उन्होंने रेडी किया एक रैंकिंग एल्गोरिदम। है ना कमाल की बात। इस रैंकिंग एल्गोरिदम में इतने मॉडिफिकेशंस हुए कि ये दुनिया की सबसे वैल्यूएबल एल्गोरिदम है। ये गूगल की एल्गोरिदम रैंकिंग की हिसाब से काम करती है। टॉप पर क्या आएगा, पहले पेज पर क्या होगा, दूसरे पेज पर क्या होगा, ये सब करती है, लेकिन हर यूजर के लिए अलग हिसाब से। है ना मजेदार। और एक सेकंड से भी कम समय में आपको रिजल्ट प्रोवाइड हो जाती है। लेकिन आखिर गूगल को आपकी प्रेफरेंस के बारे में पता कैसे है? इसका आंसर भी सिंपल है। गूगल आपकी हर चीज को ट्रैक करता है, चाहे वो लोकेशन हो या फिर कुछ भी। गूगल के पास आपकी प्रेफरेंस का पूरा हिसाब रहता है, और इसी का हिसाब से आपको आपकी पसंद की चीजें गूगल पर मिलती है। आप, ये थोड़ा सा डरा रहा होगा आपको, डरना भी चाहिए मुन्ना। अब वेबसाइट की रैंकिंग किस हिसाब से होती है, उसके लिए भी काफी फैक्टर्स होते हैं। जैसे आज के टाइम में हर दिन क्रोर्स ऑफ वेबसाइट बन रही हैं, जिनमें से अब सभी सही हो और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, हाउ वुड वी नो। इसलिए अब गूगल का एल्गोरिदम सबसे पहले ये देखती है कि कौन सी वेबसाइट रियल है और कौन सा फेक। जो फेक है उसको हटा दो, और जो रियल है उनके कॉन्टेंट की जाँच करो, और उसकी रेलिवेंसी के हिसाब से उसे फिर रैंक किया जाए। और इन सब के बावजूद हमें रिजल्ट सिर्फ एक सेकंड में मिलता है। कमाल की बात है। तो बोलो जोर से गूगल बाबा की जय। आपने तो हमारी जान बचाई ली, वरना क्या होता भाई। इसी बात पे गूगल बाबा के लिए एक लाइक तो बनता है। ऑल्सो रिमेंबर दैट वेदांत के वर्ल्ड क्लास प्रो कोर्सेज फॉर 6 टू 12 ग्रेड सीबीएसई एंड आईसीसी जेईई एंड नीट सब में जुड़ने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एंड बाय यूजिंग द कूपन कोड स्पेक्ट्रम यू कैन अवेल एन अमेजिंग ऑफर ड्यूरिंग द एनरोलमेंट। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, वो लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। अंटिल मी द नेक्स्ट टाइम विद अनदर अमेजिंग हाउ टू वीडियो, दिस इज अभिषेक साइनिंग ऑफ, पीस। चलो पैक अप यार। और भाई सर्च ऐसे डिलीट कर अपना, भाई सर्च ऐसे डिलीट कर अपना, मेरे को क्या क्या दिखता है गूगल सर्च में। प्लीज 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 डिलीट योर सर्च हिस्ट्री, और मेरा भी करना।